ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन जानने के बाद अब हम लोग कुछ बेसिक लॉज को सीखेंगे जो कि लाइट से रिलेटेड है। अगर लाइट का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना है तो हमें ये चार बेसिक लॉज को समझना पड़ेगा। हालांकि ये चारों के चारों जो हैं वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आगे क्लासेस में जाकर जब हम लोग ये लाइट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वहाँ पर ये लॉज जो है हमें हेल्प करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चार जो लॉज हैं उनको लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे कि पहला लॉ है, ये कहता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा, वैसे स्ट्रेट पाथ जैसा कुछ, है ना। ये लॉ कहता है लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टी रास्ते में कहीं चेंज नहीं हो रही, ना उसकी डेंसिटी चेंज हो रही हो, ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो, है ना। तो ऐसा मीडियम जिसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हो, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। ठीक, हालांकि एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है जब हम लाइट को वेव मान करके चलते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, एक फेनोमेना होता है लाइट के साथ में जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन, है ना। जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट आता है या स्मॉल होल आ जाता है तो वहां पर लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है ना, मतलब कि वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल नहीं करता। तो ये जो बेंड होने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में समझते हैं। यहां हम लोग चूंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हम लोग यहां पर नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मानते हैं कि अगर होमोजीनियस मीडियम है तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगा। तो एक लॉ ये हो गया। सेकेंड लॉ है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनडिपेंडेंस, मतलब लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर व्हेन इंटरसेक्ट। जैसे दो जगह से लाइट आ रहा है ना, तो बीच में वो इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, ये अपने रास्ते निकल जाएगा और ये अपने रास्ते निकल जाता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, ये बताता है सेकेंड वाला लॉ। फिर एक और लॉ है, ये कहता है कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि लाइट रिट्रेसेज इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। जब लाइट का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जाता है तो ये उसी पाथ को फॉलो करता हुआ रिटर्न होता है जिस पाथ से आया था। अगर इसको समझना हो तो मैं एक रे डायग्राम बनाता हूं। जैसे सपोज यहां पर कोई मिरर है ना, तो यहां से लाइट रे गया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अब यहां पर एक और मिरर आ गया, ये मिरर आ गया तो यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो गया ये। ठीक, यहां पर एक मिरर आ गया बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर आएगा तो क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगा। जब लौटेगा तो एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करता हुआ लौटेगा जिस पाथ से वो आया था। तो ये जो लॉ है वो यही कहता है कि अगर लाइट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करने लगता है, जिस पाथ से आता है एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस लौटता है। तो ये थर्ड लॉ हो गया। इसके बाद जो आप जानते हैं एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसको आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या कहता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन सेम प्लेन। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे फिगर में दिख रहा है ये तीनों जो है बोर्ड के प्लेन में, है ना। जरूरी नहीं कि बोर्ड के प्लेन में, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर एक बल्ब लगा है ऊपर, है ना, तो बल्ब से लाइट आता है इस बोर्ड पर टकराता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चले जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है ऐसे है,
नॉर्मल जो आएगा बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, अगर मैं बोर्ड को मिरर जैसा मान लेता हूं तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इस प्लेन में लाई करेंगे, है ना। तो कैसे भी लाइट आया, अगर लाइट ऐसे आ रहा है इधर से, है ना, तो ऐसे लाइट आया यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे चले आया इधर, है ना। तो इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो यहां पर एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन में ये तीनों लाई करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं। वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इनक्लाइन भी हो सकता है, ठीक। सेकेंड लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ है, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब ये जो एंगल है आई और ये एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये फोर बेसिक लॉज हो गए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा जो है प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है। हालांकि टेंथ क्लास में हमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, कर्व मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है उसके बारे में। फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि प्लेन मिरर जो है वो किस तरह से इमेज बनाता है, और इमेज बनाता है तो उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उनको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहला पॉइंट बताया गया है, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने दो डायग्राम बनाए थे ऑब्जेक्ट और इमेज का जो है डिफिनेशन बताने के लिए। तो एक में ऑब्जेक्ट जो था वो रियल था तो उसका इमेज वर्चुअल बन रहा था, जैसे मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं, है ना। जैसे अगर ऑब्जेक्ट रियल हो, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज एक्चुअली में निकल रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट देखेंगे तो रियल है और इमेज इसका वर्चुअल है, ठीक। उसी तरह से एक दूसरा इमेज मैंने बनाया था, है ना, यहां पर ये मिरर है। दूसरे इमेज में कहा था कि जैसे सन से लाइट रे जैसे आती है ना, तो कुछ जैसे जरूरी सन का ही हो, कुछ दूसरा हो सकता है, लाइट रे ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट लाइट रे, और वो कहां पर मिल रहा है, पीछे यहां पर। तो इंसिडेंट लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखेंगे कि जो लाइट रे आ रही है वो एक्चुअली में तो मिल नहीं सकती पीछे, उनको एक्सटेंड करके मिलाया गया, वो यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल है, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, तो ये जाकर यहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इमेज जो हुआ वो रियल हो गया, है ना। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है तो रियल इमेज बनता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज रियल बनता है, ठीक। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना। इसमें अगर ज्योमेट्री लगा के आप चेक करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल आता है, है ना। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से और इमेज डिस्टेंस जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये कहता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहां तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसका कुछ लेंथ हो, एक सिंगल पॉइंट नहीं हो, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, है ना, इसका, तो इसका इमेज जो है वो ऐसे बनेगा, मतलब इस पॉइंट का इमेज यहां बन गया, इस पॉइंट का इमेज यहां बन गया, इक्वल डिस्टेंस पर बनाकर देखेंगे फिर, है ना। जैसे पॉइंट ए है तो ए का इमेज यहां बन गया, ये पॉइंट बी है तो इसका इमेज यहां बन गया बी डैश, अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो पूरे ए बी का इमेज यहां आ गया, ठीक है। तो देखने से क्या लग रहा है कि इसका साइज और इसका साइज इक्वल है, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है,
इसके हिसाब से इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ, जैसे कि सपोज ये एक मिरर है ना, ये मिरर है, तो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो इमेज है वो उल्टा हो जाता है। अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज ये ए बी है ना, तो जब इसका इमेज बनेगा ऐसे, तो बी का इमेज बनेगा यहां पर बी डैश, और ए का इमेज इधर बनेगा ए डैश, है ना। जितना साइज इसका था उतना ही साइज इसका भी होगा, लेकिन देखेंगे अगर मिरर से बी पास में है तो उसका इमेज भी पास में आएगा, अगर ए पॉइंट दूर है तो उसका इमेज भी दूर आएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये उल्टा हो गया, इमेज उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, है ना। पहले ए बी था, अब यहां पर बी ए दिख रहा है हमें। तो इसलिए कहते हैं लैटरली का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इमेज होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, ये कहता है प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द मिरर। कहने का मतलब ये है कि मिरर जो है कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो बहुत ही बड़े से ऑब्जेक्ट का भी कंप्लीट इमेज बनाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये जो बोर्ड है ये एक मिरर है ना, तो इस रूम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका इमेज ये बना रहा होगा। हालांकि जो रूम है वो बहुत बड़ा है बोर्ड से, उसके बावजूद इस पूरे रूम का ये इमेज बना रहा होगा, है ना। बस ये हो सकता है कि हम पूरा इमेज देख नहीं पाए, जैसे उधर का दीवार मुझे देखना होगा इसके अंदर, मतलब उस दीवार का इमेज देखना होगा तो मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा तो मुझे इसमें दिखेगा। अगर इधर का दीवार का इमेज देखना होगा तो मुझे यहां से नहीं दिखेगा, यहां खड़े होने से नहीं दिखेगा, उस साइड जाना पड़ेगा मुझे, और मैं इस मिरर में देखूंगा तो इधर का दीवार का इमेज दिखेगा, है ना। तो इमेज ये कंप्लीट बनाता है, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो इमेज कंप्लीट बनाता है। अब कंप्लीट इमेज हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं ये डिपेंड करता है हमारे पोजिशन पर, हम अपना पोजिशन बदल बदल करके सारे इमेज को देख सकते हैं, लेकिन एक जगह खड़े होकर के, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो एक जगह खड़े होकर के उसका सारा इमेज नहीं देख सकते, कंप्लीट इमेज नहीं देख सकते। लेकिन जो मिरर है वो कितना भी छोटा हो, इनफैक्ट कितना छोटा भी होगा तो भी वो कंप्लीट इमेज बनाता है बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का, है ना। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, ये कहता है ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स ऑलवेज लाई ऑन अ सर्किल, है ना। जैसे अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर ले लेते हैं, है ना, सपोज एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाला मिरर भी बनाएगा और ये वाला मिरर भी बनाएगा, तो इसको बना के देखते हैं कहां कहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर में इसका इमेज एक तो यहां बनेगा उतना ही डिस्टेंस पर, ठीक। अच्छा, इस मिरर की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां से जितना ऊपर है उतना ही नीचे, यहां पर एक इमेज बन जाएगा I2, ठीक। अब देखेंगे कि ये जो इमेज बने हैं इस इमेज का इमेज भी बनता है ना। जैसे आप सैलून में जाते हैं तो आप सैलून में जब बाल कटवाने जाते हैं तो क्या देखते हैं, आपके बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, है ना। तो वहां पर होता क्या है, इमेज का इमेज बन रहा होता है, हमारे खूब सारे जो है फेस दिख रहे होते हैं उसमें। तो वैसा ही जो है, कहने का मतलब यह है कि इमेज का भी इमेज बनता है ना। तो जब इसका इमेज इस मिरर में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस मिरर को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके देखता हूं, हालांकि मिरर है नहीं, बस जस्ट लाइन एक्सटेंड करता हूं, है ना। तो इसके जितना ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि इसका इमेज में बनाने वाला, तो इसके जितना ऊपर ये ऑब्जेक्ट है उतना ही नीचे उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह से ये जो इमेज बना था इस मिरर में, इस इमेज का भी इमेज बनाएगा ये वाला मिरर, है ना, ये वाला मिरर इमेज बनाएगा। तो देखेंगे कि इस मिरर से जितना डिस्टेंस पर ये है उतना ही पीछे ये उसका इमेज बनाएगा, तो यहां पर आई फोर बनेगा एक, ये आई फोर और आई थ्री एक जगह कॉइंसाइड कर जाएंगे, आप डिस्टेंस मेजर करके चेक कर सकते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा,
है ना, ये y है तो ये भी y है, ये भी y आएगा, है ना, फिर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। तो जितना डिस्टेंस यहां से ये था ऑब्जेक्ट, उतना ही पीछे ये इमेज बनेगा। अब देखेंगे कि अगर मैं इसको r रेडियस का, मतलब ये दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको रेडियस मान लेता हूं, है ना, तो ये जो इमेज है वो भी r डिस्टेंस पर पड़ेगा, ये भी r डिस्टेंस पर पड़ेगा, ये भी r पर पड़ेगा। r रेडियस का मैं एक सर्किल बनाऊंगा तो ये सारे इमेज और ऑब्जेक्ट इसी सर्किल पर लाई करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेवेंथ पॉइंट पर। जो सेवेंथ पॉइंट है वो ये कहता है, बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज अप्रोच और सेपरेट फ्रॉम मिरर विथ इक्वल स्पीड, है ना। तो जैसे कि देखेंगे यहां पर, सपोज ये मिरर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक इमेज यहां पर है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर v वेलोसिटी से मिरर के पास जा रहा है तो इमेज जो है ये भी मिरर के पास उतनी ही स्पीड से जाएगा, है ना। दोनों मिरर को अप्रोच करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा होगा तो इमेज भी अप्रोच करेगा सेम स्पीड से, अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा यानी सेपरेट हो रहा होगा तो इमेज भी दूर जाएगा, ये भी सेपरेट होगा सेम स्पीड से, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में सारा जो कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़ा बहुत जानना था वो हो गया। इसके बाद जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर के बारे में सीखेंगे। अभी जो हमने चार बेसिक लॉ सीखे थे, है ना, जैसे कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे लॉ जो हैं ये हमेशा वैलिड होते हैं चाहे सरफेस कैसा भी हो, चाहे सरफेस प्लेन हो या कर्व सरफेस हो, दोनों ही केस में ये सारे लॉज वैलिड होते हैं। तो अभी तक तो हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत समझा है, अब हम लोग सीखेंगे कर्व मिरर के बारे में, है ना। तो कर्व मिरर तो वैसे कहने के लिए पैराबोलिक शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर केवल स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो किस तरह से बनता है और वो जो इमेज फॉर्म करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक हॉलो ग्लास स्फेयर है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको काट देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको इधर वाला जो फेस है, इस साइड वाला फेस को मैं सिल्वर कर देता हूँ, है ना। तो हर मिरर में एक फेस रिफ्लेक्टिंग होता है, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर, है ना, तो इधर से सिल्वर किया हुआ है ना, तो एक फेस सिल्वर किया होता है, इधर से लाइट इंसिडेंट नहीं कराया जाता, क्योंकि इधर से लाइट इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा साइड होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग फेस, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग फेस पर ही लाइट हमेशा इंसिडेंट कराया जाता है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा और इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो मिरर है इसमें हमने जो आउटर फेस है यानी कि जो कॉन्वेक्स फेस है उसको सिल्वर कर दिया, और अंदर जो है जो धंसा हुआ पार्ट है जो किसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव फेस, तो कॉनकेव फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग फेस इसका चूंकि कॉनकेव है और इसलिए इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। उसी तरह से अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर एक पोर्शन जो है मैं काट देता हूं और इसका जो अंदर वाला फेस है, इधर वाला अंदर वाला फेस यानी कॉनकेव पार्ट को सिल्वर कर देता हूं, तो रिफ्लेक्टिंग फेस जो है वो कॉन्वेक्स है ना, जो आउटर फेस है जो कॉन्वेक्स फेस है वो रिफ्लेक्टिंग फेस बन गया है, और इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली में जब भी हम लोग देखते हैं इस मिरर को, डायग्राम बनाते हैं, तो हमेशा केवल साइड व्यू दिखाते हैं इसे। एक्चुअली में इधर से आप देखेंगे, इधर से, है ना, तो हमें गोल दिख सकता है, करेक्ट, है ना, ये गोल दिख सकता है इसे काटने से ऐसा। तो लेकिन जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चंस में यूज करते हैं, तो हमेशा ये साइड व्यू दिखाते हैं ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है
ये कॉनकेव मिरर है, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, इनके लिए कुछ डिफिनीशंस होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे एक टर्म होता है पोल, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना। एपर्चर का मतलब हो गया जैसे शेप होता है ना, अगर मैंने कहा कि इधर से आप देखेंगे तो ये आपको गोल दिखेगा ऐसा, है ना। इधर से देखने पर, इधर से अंदर से देख रहे हैं तो गोल सपोज हमें यह ऐसा दिख जाता है, जिसका पीछे वाला जो फेस है वो सिल्वर किया हुआ, इधर से रिफ्लेक्टिंग फेस है, ऐसे लाइट जा रहा है इधर, है ना। तो इसका जो सेंटर होगा ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको हम लोग कहते हैं पोल। जबकि अगर इधर से साइड व्यू में देखेंगे तो पोल हम लोग मानेंगे यहां पर है, ये जो पॉइंट है ये पोल है। यहां पर मैं एक मिरर ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये हो गया, है ना, ये हो गया कॉनकेव मिरर। जैसे ये कॉनकेव मिरर था वैसे कॉनकेव मिरर हो गया, इधर सिल्वर फेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग फेस है, रिफ्लेक्टिंग फेस जो है वो कॉनकेव है, है ना। तो इसमें ये जो पॉइंट है इधर, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं उसको, ये जो है ये पोल है, इसको जनरली पी से डिनोट किया जाता है। इसके लिए एक और टर्म डिनोट करते हैं, कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर्स आर मेड। जिस स्फेयर से काट करके मिरर्स बनाए गए हैं, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे ये मिरर की बात करें तो इस स्फेयर से काट कर ये मिरर बनाया गया है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होगा, ये स्फेयर का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट जो है ये पोल है। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस स्फेयर का रेडियस के इक्वल होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कहीं यहां पर इसमें आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो पोल आएगा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ दिख रहा है, तो ये हो गया इसका पोल, और इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पर है। इसका रेडियस ऑफ, चूंकि इसी स्फीयर से काट कर ये भी बनाया गया है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी आर कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और डेफिनेशन होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जैसे यहां पर ये सेंटर कर्वेचर है, ये पोल है, दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमेशा देखेंगे इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहां पर देखेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव मिरर का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। एक और डिफिनेशन, जैसा मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जैसा कि मैंने बताया, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, जो कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में स्फीयर के रेडियस के इक्वल आता है, इसको रेडियस कर्वेचर कहते हैं, यहां पर वो आर के इक्वल है, ठीक। तो जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, इतने डिफिनेशन से ही रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट को एक क्लियर करेगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में बताया गया है, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है इस कॉनकेव मिरर पर, है ना। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट पासेस थ्रू पोल, है ना। ये लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आया है, तो ये कहा गया है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए जिससे कि ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पोल से होकर के पास करेगा, है ना। यहां लगे इसको क्रॉस नहीं करेगा, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब ऐसे दिखा देता हूं। तो अब ये जो डायग्राम है या जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको देख करके आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है
कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहीं ना कहीं एक फोकस पॉइंट होता है जहां से पास करता है। ये पहली बार हमने सुना है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो पोल पर इंसिडेंट हो रहा है ना, पोल से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सवाल पूछा गया है ये सवाल सही है, ये पोल से पास भी करेगा, है ना। फोकस से कब पास करेगा उसके लिए कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो यहां पर पहले सवाल को सोल्व करते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आता है वो फोकस से कब पास करता है और पोल से कब पास करता है, इसका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन भी हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहां पर क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहां पर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन एक ड्रॉ किया जाएगा इस मिरर पर, तो ये एक्चुअली में स्फेयर का रेडियस के लॉन्ग हो गया ना, तो ये इस पर नॉर्मल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मिरर के सरफेस पर, और इसलिए ये नॉर्मल का काम करेगा। तो समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जैसा कि कहा गया कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो कि पोल से पास कर रहा है ना, तो पोल से पास कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का जो एंगल है जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं वो भी आई के इक्वल होता है। तो मैं आई लिख देता हूं इसको भी, आई और आर इक्वल होते हैं इसलिए दोनों को मैंने आई आई लिख दिया। अब देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है और ये जो नॉर्मल है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी तो आई होना चाहिए, ठीक, ये आई होना चाहिए। अब देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो रेडियस के इक्वल होगा। देखेंगे जैसे अगर इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मानता हूं तो ये जो डिस्टेंस है ये भी आर के इक्वल ही होगा, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की बात, इसके आगे का बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ये आर होगा और ये भी आर होगा, है ना। और देखेंगे एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये जो ट्रायंगल बना है अगर ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ का है तो मैं कम से कम इसको आइसोसेलस ट्रायंगल तो बोल सकता हूं। अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या दिखा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हो गए आई, है ना। तो कुल मिला करके अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 3i होगा जो कि 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से i का जो वैल्यू है वो आ गया 60 डिग्री, है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा तो ये लाइट रे पोल से पास करेगा, है ना। अब जो है आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बहुत ही बड़ा है, है ना। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो तो पोल से भी पास कर सकता है, इनफैक्ट 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो सकता है इधर। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल का मतलब 5 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होता है तब इधर पोल से पास नहीं करता बल्कि वो फोकस से पास करता है, है ना, जिनको हम लोग पैरेक्सियल रे कहते हैं। पैरेक्सियल रे क्या होते हैं, पैरेक्सियल रे का मतलब होता है इंसिडेंट और लाइट रेस, इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन 10 डिग्री मान सकते हैं। इससे कम एंगल पर अगर इंसिडेंस होगा तो जो रेज होती है उनको पैरेक्सियल रे कहा जाता है। जनरली पोल के पास में इंसिडेंट होंगी लाइट रेज तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे ये पैरेलल वाला जो इंसिडेंट लाइट है उसको आप नीचे लाते रहेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होगा,
है ना, पोल के पास इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत ही कम होगा, है ना। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो ये पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से पास करेगी, ठीक। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, वो सारी थ्योरी पैराक्सियल रे के लिए पढ़ते हैं, मतलब कि सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉल होता है। सारे डेरिवेशन जो होते हैं, मिरर फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है, सारे डेरिवेशन जो है वो पैराक्सियल रे के लिए किया जाता है, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, इतने बड़े एंगल के लिए नहीं किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो तो वो थ्योरी हमारी वैलिड नहीं होगी जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, है ना। और उस केस में कुछ ऐसे रिजल्ट जो है, हमें ऐसे रिजल्ट दिख सकते हैं जो कि चौंकाने वाले होंगे, जैसे कि ये रिजल्ट है ना। हमने अभी तक सीखा था कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है। यहां पर रिजल्ट वैसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस केस में लाइट रे जो है पोल से पास कर रहा है ना। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि जो फोकस है एक्चुअली में उसका डिफिनीशन क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे।